रैबिट में आज हम लोग डबल साइड जो इमिसिव लाइट होती है, जिसे हम लोग आईएस लाइट भी बोलते हैं, वही हम लोग बनाएंगे। कुछ हम लोग इस तरह की लाइट बनाएंगे। ये देखिए, मैंने पहले से ही बना के रखी हुई है रैबिट में। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को ये दिखाना चाहता हूँ कि ये देखिए, मैंने जो लाइट बनाई है वो रियल है, वो कोई भी फैमिली नहीं है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, यहाँ पर ये इसका जो होल्डर है आईएस लाइट का, इसको क्रिएट करेंगे, और इसकी फैमिली को क्रिएट करेंगे। और यहाँ पर फिर हम लोग जो हमारा लाइटनिंग फिक्सचर होता है उसको प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पर ये जो मैंने लाइट बनाई है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये ग्लो होती है कि नहीं। चलिए मैं इसकी रेंडिंग करके भी आपको दिखा देता हूँ यहाँ से। तो चलते हैं, ये देखिए, ये मैंने यही लाइट है जो लोड करके रखी हुई है, सेम टू सेम यही वाली। तो चलिए अब इसकी रेंडिंग करके दिखाते हैं आपको कि ये ग्लो होती है कि नहीं। तो डबल आर, और यहाँ से मैंने चल लेता हूँ इंटीरियर आर्टिफिशियल ओनली, और यहाँ पर मैं ड्राफ्ट पर रेंडरिंग कर रहा हूँ। आप लोग हाई पर रेंडरिंग करिएगा तो और लुक और भी अच्छा आएगा। तो रेंडर, ये देखिए, यहाँ से देखिए मैंने रेंडर की है जो लाइट की, ये देखिए प्रॉपर रेंडर हो रहा है। थोड़ा सा कम करते हैं, ये देखिए। तो सेम इसी तरीके की हम लोग लाइट क्रिएट करेंगे जो डबल साइड से इमेसिव पावर वो ग्लो करेगी। तो चलिए यहाँ पर हम लोग रेंडरिंग को क्लोज करते हैं इस फैमिली को पूरी, और न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं। यहाँ से मैं न्यू टेम्पलेट ओपन कर लेता हूँ आर्किटेक्चर का, और यहाँ से हम लोग एक वॉल क्रिएट कर देंगे पहले अपने प्रोजेक्ट में, ताकि हम लोग जो लाइट लगाएं इसी वॉल पे लगाएंगे। चलिए मैं यहाँ से वॉल को क्रिएट कर देता हूँ। सबसे पहले नॉर्मल कोई भी वॉल इतनी बड़ी लेता हूँ, 20 फीट की। इसे मैं बीच में कर देता हूँ थोड़ा सा। तो यहाँ पर मैंने वॉल क्रिएट कर ली है। तो अब चलिए हम लोगों को फैमिली क्रिएट करनी है आईएस लाइट की। तो वो कैसे क्रिएट करेंगे, देखिए, इसके लिए हम लोगों को दो लाइट फैमिली की रिक्वायरमेंट होगी, और दोनों की दोनों हमारी जो होंगी वो फेस बेस्ड ही होंगी। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले फैमिली को ओपन करते हैं। तो फैमिली को ओपन करने के लिए यहाँ देखिए, सबसे पहला ऑप्शन आता है हमारा रेविट के जो आइकन होता है उसके नीचे फाइल का। तो इस ऑप्शन पर जाएंगे, और जाने के बाद यहाँ से देखिए न्यू वाले ऑप्शन पर जाएंगे, और न्यू वाले ऑप्शन पर जैसे ही कर्सर लेके जाएंगे तो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आता है प्रोजेक्ट के नीचे फैमिली का। इस पर जाएंगे, क्लिक करेंगे, और यहाँ से मैं लूँगा मैट्रिक फेस बेस्ड फैमिली। ये देखिए, ये मैट्रिक, ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, मैट्रिक जेनरिक मॉडल फेस बेस्ड फैमिली, ये फैमिली मैं लूँगा। चलिए मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। ओपन कर ली मैंने ये फैमिली। तो अभी ये जो फैमिली है हमारी, ये देखिए एमएम में है, इसकी जो डायमेंशन है वो सारी एमएम में है, ये देखिए। चलिए इसकी डायमेंशन चेंज कर लेते हैं। तो यूनिट चेंज करने का ये जो रैबिट में शॉर्टकट होता है वो होता है हमारा यूएन। तो चलिए कीबोर्ड पर टाइप करते हैं यूएन, और यहाँ से लेंथ वाले पर जा करके ऑप्शन पर, यहाँ से मैं एमएम से कर लूँगा फीट एंड फ्रैक्शनल इंचेस। ओके ओके। तो अब देखिए जो हमारी यूनिट है वो प्रॉपर और फीट में आ गई है। तो अब इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, उसके बाद हमको ये जो आईएस लाइट है उसका होल्डर क्रिएट करना है। तो होल्डर को क्रिएट करने के लिए हम एक्सट्रूजन का यूज़ करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग रेफरेंस प्लेन को क्रिएट करते हैं। तो रेफरेंस प्लेन क्रिएट करने का शॉर्टकट होता है हमारा आरपी, और यहाँ से भी हम लोग रेफरेंस प्लेन क्रिएट कर सकते हैं क्रिएट पर जा करके। और यहाँ पर देखिए हमारा रेफरेंस प्लेन का ऑप्शन आता है। तो मैं यहाँ से रेफरेंस प्लेन ले लेता हूँ। देन उसके बाद देखिए क्या करूँगा मैं, यहाँ से देखिए यहाँ पर एक पिक लाइन का ऑप्शन आता है, इस पर जाएंगे पिक लाइन वाले ऑप्शन पर। तो इस पर जाता हूँ, और उसके बाद यहाँ से ऑफसेट दे दूंगा मैं। यहाँ से जितना भी ऑफसेट आपको चाहिए, जितनी बड़ी आपको लाइट बनानी है वहाँ से आप बना सकते हैं। तो ऑफसेट दे देता हूँ यहाँ से मैं पहले 1 इंच। तो मैं 1 इंच ये जो हमारा वर्टिकल जो हमारा रेफरेंस प्लेन है लाइनिंग है इसके इधर ले लूँगा लेफ्ट में 1 इंच, और 1 इंच इसके राइट में ऑफसेट। तो दो ऑफसेट मैंने ले लिए हैं। तो अब चलिए ये जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है इसका भी ऑफसेट लेते हैं। तो यहाँ से मैं इसका ऑफसेट लूँगा 3 इंच अप में और 3 इंच डाउन में, तो 3 इंच ऊपर और 3 इंच नीचे। तो ये टोटल हमारा जो है ये 6 इंच हो गया, और ये हमारा टोटल 2 इंच हो गया। चलिए अब हम लोग होल्डर क्रिएट करने के लिए एक्सट्रूजन का यूज़ करेंगे। तो क्रिएट पर जाएंगे, और यहाँ से एक्सट्रूजन पर जाएंगे। एक्सट्रूजन पर जाने के बाद यहाँ पर हम देखिए रेक्टेंगल ऑप्शन को पिक करेंगे, यहाँ से ये रेक्टेंगल ऑप्शन, यहाँ से इस ऑप्शन को पिक करेंगे। देन यहाँ से पिक करने के बाद हम यहाँ से ऑफसेट इस पर भी डालेंगे, ये जो ऑफसेट वाला ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर ऑफसेट पुट करेंगे। तो ऑफसेट मुझे चाहिए यहाँ पर, मैं 0.5 इंच लेकर देखता हूँ पहले, 0.5 इंच। और यहाँ से देखिए जो हमारा पहला पॉइंट, मैं आपको दिखा देता हूँ, इस वाले पॉइंट पर क्लिक करेंगे, देन इस वाले पॉइंट पर क्लिक करेंगे। अगर आपका ऑफसेट बाहर की ओर बनना है तो स्पेस का जो हमारी स्पेस की होती है कीबोर्ड पर, उसका यूज़ करके आप इसे फ्लिप कर सकते हैं। चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको। तो पहला मैं क्लिक करता हूँ, और देन यहाँ पर दूसरा क्लिक,
तो देखिए, अभी बाहर बनना है तो दूसरा क्लिक करने से पहले आप लोग स्पेस बार का यूज़ करिए और इसे फ्लिप कर दीजिए इस तरह से कुछ। तो ये हमारा क्रिएट हो चुका है। तो अब चलिए हम लोग चलते हैं 3D पर, इसे पहले फिनिश कर देते हैं और 3D पर चलते हैं। ये देखिए अभी ये काफ़ी ऊपर है। फ्रंट पर चलते हैं हम लोग। ये देखिए हमारा जो प्रोजेक्ट ब्राउज का ऑप्शन है, यहाँ पर फ्रंट पर चलते हैं। इसके एलिवेशन के फ्रंट पर चलेंगे और डबल क्लिक करेंगे फ्रंट पर। उसके बाद ये देखिए हमारा यहाँ पर आ चुका है। इसी पर क्लिक करेंगे जो हमारी प्रोफाइल हमने क्रिएट की है एक्सट्रूजन की, और यहाँ से देखिए एक्सट्रूजन इंड का जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर हमारे प्रॉपर्टीज़ पर, एक्सट्रूजन इंड, यहाँ से हम इसको डाल देंगे। इसकी डायमेंशन डालेंगे 0.5 इंच। तो यहाँ से मैं पुट कर देता हूँ 0.5 इंच और यहाँ से अप्लाई कर देता हूँ इसे। यहाँ से आप लोग इसका मटेरियल भी चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। मैं अभी मटेरियल नहीं चेंज करूँगा, यहाँ से आप लोग कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से कोई भी मटेरियल ले सकते हैं आप लोग। तो ये आप इजीली कर सकते हैं, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ ये। चलिए फिर से चलते हैं रेफरेंस प्लेन पर। तो यहाँ पर देखिए दो रेफरेंस लेवल आते हैं, आप लोग कन्फ्यूज़ मत होइएगा। यहाँ पर एक फ्लोर प्लान रेफरेंस लेवल है और यहाँ पर एक सीलिंग प्लान रेफरेंस लेवल है। तो यहाँ पर जो भी हम काम करेंगे वो अपने फर्स्ट वाले पर करेंगे, इस वाले पर हम लोग इस पर कोई काम नहीं करेंगे। तो इसे मैं क्लोज़ कर देता हूँ। इस वाले ये जो हमारा माइनस का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से मैं सीलिंग वाले को क्लोज़ कर दूंगा क्लिक करके, तो ताकि हमें बार बार डिस्टर्ब ना करे। तो इस पर चलते हैं डबल क्लिक। फिर यहाँ से फिर से एक्सट्रूजन को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ से क्रिएट पर चलेंगे और एक्सट्रूजन पर जाएंगे। देन उसके बाद देखिए क्या करेंगे हम लोग, रेफरेंस प्लेन लेना है मुझे। ये जो हमने बनाया है ब्लॉक, इसके ऊपर क्रिएट करना है अपना बड़ा वाला ब्लॉक। तो यहाँ से हम लेते हैं फिर से सेट अ वर्क प्लेन, और यहाँ से पी का प्लेन, यहाँ से ओके, और यहाँ से मैं ये वाला प्लेन लूँगा, और यहाँ से मैं रेक्टेंगल लूँगा। यहाँ से मुझे ऑफसेट डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ से मैं सॉरी, मुझे यहाँ से नहीं लेना था, स्केप यहाँ से लेना है। ये देखिए जो हमारा क्रॉसिंग है रेफरेंस प्लेन का, यहाँ से लेना है मुझे, यहाँ से जो लास्ट वाला पॉइंट है वहाँ पर, जो हमारा लास्ट वाला कॉर्नर है वहाँ तक। ये हमने क्रिएट कर लिया। तो उसके बाद चलिए हम लोग इसे फिनिश करके 3D पर देखते हैं इसे फिर से। तो अभी देखिए ये काफ़ी बड़ा है, फ्रंट पर चल के दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए, तो इसी प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे ऊपर वाली, और यहाँ से जो हमारा एक्सट्रूजन इंड है इसे भी हम लोग दे देंगे डायमेंशन 1 इंच की। जो हमने पहले क्रिएट किया था उसको हमने दी थी 0.5 इंच, और इसको हम लोग देंगे 1 इंच। अभी ये हमारा 1 फीट है। चलिए मैं यहाँ से 1 इंच पुट कर देता हूँ, 1 इंच। इसका भी मटेरियल आप लोग सेम तरीके से चेंज कर सकते हैं। ये देखिए ये चेंज हो गई। तो अब हम लोग इसके फ्रंट पर ही बनाएंगे, इस पर हमें वाइड चाहिए जिसके अंदर हम लोग अपनी लाइटनिंग फिक्चर को लगाएंगे। तो कैसे इसमें हम लोग क्रिएट करेंगे वाइड, तो वाइड को क्रिएट करने के लिए हम लोग इसी प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर क्या करेंगे, क्रिएट वाले ऑप्शन पर जाएंगे, और यहाँ से देखिए एक ऑप्शन आता है हमारा वाइड फॉर्म्स का। इस वाले ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करेंगे, यहाँ से देखिए हमारा ऑप्शन आता है वाइड एक्सट्रूजन का। वाइड एक्सट्रूजन वाले ऑप्शन पर जाएंगे यहाँ से, और यहाँ से हमको प्लेन सेलेक्ट करना है सबसे पहले। तो ये जो हमारा प्लस का आइकन बन के आ रहा है, सबसे पहले हम लोग प्लेन को सेट करेंगे। तो सेट अ वर्क प्लेन पर जाएंगे, यहाँ से पी का प्लेन पर जाएंगे और इसे ओके कर देंगे। कर्सर माउस का ले जाएंगे यहाँ पर और टैब की का यूज़ करेंगे। तो ये देखिए हमारा रेक्टेंगल टाइप का बन के आ रहा है, ब्लू लाइन से हाईलाइट हो रहा है। इस पर क्लिक कर देंगे, हमारा ये प्लेन सेट हो चुका है। अब फिर से हम लोग रेक्टेंगल लेंगे, यहाँ से हम लोग यहाँ से ऑफसेट पुट करेंगे इसका 2 इंच, सॉरी 2 इंच नहीं, 0.2 इंच। चलिए मैं देखता हूँ 0.2 इंच इसका इनफ है कि नहीं। चलिए ठीक है, इनफ है, सही है इतना बड़ा। तो अभी देखिए हमारा बाहर की ओर बनना है। तो यहाँ पर क्लिक करने से पहले ही मैं स्पेस की का यूज़ करूँगा, स्पेस बार का। ये देखिए अंदर की ओर हो गया, और इस वाले पॉइंट पर क्लिक कर दूंगा यहाँ से। चलिए हम इसे फिनिश कर देते हैं। अब चलते हैं हम लोग, देखिए अपने लेफ्ट या राइट व्यू पर किसी पर भी जाएंगे, और ये जो हमारा वाइट है इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देंगे। तो एलिवेशन पर चलते हैं और इसके लेफ्ट या राइट पर चलते हैं, लेफ्ट व्यू पर चलते हैं। तो यहाँ पर अभी देखिए वाइट जो है हमारा, ये देखिए कर्सर लेके जाएंगे तो वाइट शो हो जाएगा। इस वाइट को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, लेकिन जो हमारी ये प्रोफाइल है लाइट की, इससे बाहर ही होना चाहिए हमारा वाइट। तो जैसे ही आप लोग इस पर, ये जो हमारा है इस पर क्लिक करेंगे, तो ये देखिए हमारा वाइड सेलेक्ट है यहाँ पर, देखिए प्रोफाइल पर शो हो जाएगा। ये देखिए ये जेनरिक मॉडल वाइड, ये देखिए वाइड शो रहना है यहाँ पे। तो ये हमारा क्रिएट हो चुका है। हम लोग चलते हैं 3D पर, चेक करते हैं ये। तो मैं यहाँ से इसको कर देता हूँ सबसे पहले शेडेड पर। यहाँ पर देखिए हमारा ऑप्शन आता है यहाँ से हम लोग अपने विजुअल स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारी विजुअल स्टाइल दी हुई है। ये देखिए यहाँ से मैं शेडेड को पिक करूँगा, ये वाली को। तो चलिए मैं पिक कर लेता हूँ इसे शेडेड को। ये देखिए ये हमारी प्रोफाइल क्रिएट हो चुकी है लाइट की।
अब चलिए हम लोग इस पर कैसे लगाएंगे, वो जो होता है लाइटनिंग फिक्चर अंदर जो लाइट होता है, लाइट सोर्स उसको प्रोवाइड करेंगे। उससे पहले देखिए हमारे पास यहाँ पर एक मटेरियल होना चाहिए ग्लास, तो हम लोग इसे ग्लास से पहले कवर करेंगे ताकि जो हमारा लाइट सोर्स है वो डायरेक्टली ना आ सके। तो उसको उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग फ्रंट पर चलेंगे। सबसे पहले प्रोजेक्ट ब्राउज वाले पर फ्रंट पर जाएंगे, तो देखिए हमारा फ्रंट की विंडो ओपन हो चुकी है। इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग एक्सट्रूजन पर जाएंगे, फिर से सॉरी क्रिएट पर जाएंगे पहले, ये देखिए क्रिएट पर जाएंगे और यहाँ से देन क्लिक करके एक्सट्रूजन पर जाएंगे। एक्सट्रूजन पर जाने के बाद हम लोग सबसे पहले अपने प्लेन को सेट करेंगे। तो यहाँ से देखिए यहाँ पर जाएंगे सेट पर और सेट अ वर्क प्लेन पर क्लिक करेंगे। यहाँ से पिक अ प्लेन पर जाएंगे, ओके करेंगे, माउस का कर्सर ले जाएंगे अंदर की ओर, ये देखिए, और देखिए ब्लू कलर से हाईलाइट हो गया हमारा अपर वाला एरिया, आउटर एरिया इसको क्लिक कर देंगे। यहाँ से हमारा ऊपर वाला एरिया सेलेक्ट हो गया है। इसके बाद हम लोग रेक्टेंगल पर जाएंगे और जो इसकी इंटरनल बाउंड्री है वहाँ से एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर देंगे। इसे हम लोग फिनिश कर देते हैं। देन अब चलिए हम लोग, हमने ये जो बनाया हमने फ्रंट पर बनाया, अब हमें इसी तरह का ग्लास बैक पर भी चाहिए। तो चलिए चलते हैं बैक पर, तो डबल क्लिक करते हैं फिर से बैक पर, और यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे सेम तरीके से क्रिएट पर जाएंगे, एक्सट्रूजन पर जाएंगे और यहाँ से रेक्टेंगल पर जाएंगे। उससे पहले हम लोग अपने प्लेन को सेट करेंगे, रेक्टेंगल पर बाद में जाएंगे, सेट आवर प्लेन, पिक अ प्लेन, ओके, कर्सर ले जाएंगे माउस का और यहाँ से इसको हम लोग प्लेन को पिक करेंगे, टैब की का यूज़ करेंगे इस तरह से और पिक हो जाएगा। रेक्टेंगल लेंगे और इसकी इंटरनल बाउंड्री से इस तरह से बना देंगे, फिनिश कर देंगे इसे भी। चलिए 3D पर चल के देखते हैं इसे। ये देखिए हमारा जो ग्लास है अभी, देखिए इसकी हमने कोई भी थिकनेस नहीं दी तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। चलिए राइट व्यू पर चलते हैं और इसकी थिकनेस दे देते हैं। लेफ्ट या राइट पर किसी पर भी जा करके आप इसकी थिकनेस दे सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक को डिलीट कर देते हैं, उसको हम लोग मिरर कर देंगे। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, डिलीट, और इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। तो इसी पर क्लिक करेंगे प्रोफाइल पर और ये जो एरो शो हो रहे हैं इसकी हेल्प से हम लोग इसे एडजस्ट कर लेंगे। तो इस वाले एरो से इसको मैं एकदम पतला सा कर देता हूँ इस तरह से कुछ, आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ जूम करके। ये देखिए हमारी थिकनेस इतनी है, इससे भी आप कम कर सकते हैं, तो मैं इसे थोड़ा सा और कम कर लेता हूँ, इतनी कर लेता हूँ। ये देखिए हमारा ग्लास भी लग चुका है। तो अब हमें इस साइड भी चाहिए, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस वाले ग्लास को सेलेक्ट करेंगे। देन यहाँ पर देखिए हमारा एक ऑप्शन आता है मिरर एक्सिस, ये देखिए सेकंड वाला, यहाँ पर ये मिरर ड्रॉ एक्सिस है, इसका शॉर्टकट होता है DM। इस वाले टूल को लेंगे, क्लिक करेंगे, देन इसके बाद ये देखिए हमारा प्रोफाइल सेलेक्ट होनी चाहिए, बीच वाले एकदम सेंटर से लेंगे, ऊपर क्लिक करेंगे और इसी के सीधे एकदम नीचे की ओर क्लिक कर देंगे। ये देखिए हमारा दूसरी तरफ भी बन गया है। अब इसका हम लोग मटेरियल दे देते हैं, ग्लास का कुछ भी ट्रांसपेरेंट। तो चलिए मटेरियल कैसे देते हैं, तो पहले इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर इसको भी सेलेक्ट करेंगे, हमें दोनों को एक साथ मटेरियल देना है, आप एक एक करके भी दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ पे चलेंगे, प्रॉपर्टीज़ हैं ये हमारी, यहाँ पर देखिए मटेरियल का ऑप्शन शो हो रहा है, मटेरियल बाय कैटेगरी, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमें 3 डॉट्स अपीयर होंगी। 3 डॉट्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए मटेरियल का ब्राउज़र ओपन हो गया है। तो यहाँ पर देखिए एक सर्कल करने का ऑप्शन आता है, सर्कल जिस पर प्लस बना होता है, इसके नीचे एक एरो आता है ड्रॉप डाउन का, इस पर क्लिक करके हम लोग न्यू मटेरियल कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से ऑप्शन ओपन हो गया है क्रिएट न्यू मटेरियल का, तो यहाँ से हम लोग क्रिएट न्यू मटेरियल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमारा मटेरियल ओपन हो गया है डिफॉल्ट न्यू मटेरियल का। इसी पर हम लोग राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आ गया हमारा रीनेम का, इसे हम लोग यहाँ से रीनेम कर सकते हैं, डुप्लीकेट कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पर इसे रीनेम कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर इसे नाम दे देता हूँ IES लाइट ग्लास मटेरियल मटेरियल। देन यहाँ पर चलिए हम लोग, अब मटेरियल हमें कौन सा चाहिए, तो यहाँ पर देखिए जहाँ से हमने मटेरियल को क्रिएट किया था उसके बगल में एक और बॉक्स बन के आता है जिसे हम लोग एसेट्स ब्राउजर बोलते हैं, उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमारी मटेरियल की लाइब्रेरी ओपन हो जाएगी। यहाँ से देखिए हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा ऑटोडेस्क का ऑप्शन आता है उसके नीचे एक ऑप्शन आता है अपेयरेंस का, उस पर क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे। देन उसके बाद देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन आता है ग्लास का, इस ग्लास वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे या इस एरो पर क्लिक करेंगे, सॉरी इस पर डबल क्लिक करेंगे ग्लास वाले पर। यहाँ पर देखिए ग्लास के जितने भी मटेरियल हैं ओपन हो जाएंगे, हल्का सा नीचे करेंगे और यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आता है हमारा लाइट बल्ब का, तो इस वाले को ले लेंगे मटेरियल को, इस एरो पर क्लिक करेंगे, ये देखिए हमारा एरो है, एक बार क्लिक कर देंगे बस, या तो आप डबल क्लिक करके इसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर मटेरियल देखिए हमारा आ चुका है, क्लोज कर देंगे इसे, थोड़ा सा अपडेट हो रहा है, ये देखिए हमारा मटेरियल आ चुका है। चलिए थोड़ा सा इस पर भी हम लोग एडिट कर लेते हैं, यहाँ जो लाइनिंग आ रही है पहली वाली, यहाँ पर आप अपना कर्सर ले जाके इसे थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं, मटेरियल को छोटा कर सकते हैं कुछ इस तरह से, मैं आपको दिखाता हूँ इस तरह से कुछ।
अपडेट हो रहा है अभी, ये देखिए। तो चलिए थोड़ा सा इस पर एडिट कर लेते हैं इसको। यहाँ से रिफ्लेक्टिविटी को ऑफ कर देंगे। ये सारे ऑप्शन आप नहीं भी कर सकते हैं, तब भी आपकी लाइट ग्लो होगी। ट्रांसपेरेंसी को थोड़ा सा कम करेंगे और यहाँ से जो हमारा ऑप्शन आता है सेल्फ इल्यूमिनेशन का, ये देखिए सेल्फ इल्यूमिनेशन, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, ये देखिए जो हमारा कलर टेम्परेचर का ऑप्शन है उस पर एक एरो शो हो रहा है, उस पर क्लिक करके यहाँ से हम लोग क्या करेंगे इसकी मून लाइट ले लेंगे ताकि थोड़ा सा येलो टाइप का हो जाए। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, टिंट पर जा करके बॉक्स को पहले ऑन कर देंगे, फिर यहाँ से कलर ले लेंगे और यहाँ से कलर लेंगे हम वाइट और इसे ओके कर देंगे। तो ये हमारा हो गया है लगभग लगभग। उसके बाद हम लोग इसे अप्लाई कर देते हैं इसे, और यहाँ पर ग्राफिक्स वाले ऑप्शन पर जाकर के यूज रेंडर अपेयरेंस वाले बॉक्स पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर देखिए मटेरियल हमारा आ चुका है IES लाइट ग्लास मटेरियल, तो यहाँ पर इसे अप्लाई करते हैं और इसे ओके कर देते हैं। यहाँ पर चेक कर लीजिएगा आप लोग अपने प्रॉपर्टीज में मटेरियल आ गया है कि नहीं। देखिए हमारा आ गया है, तो मटेरियल आपका नहीं आएगा तो यहाँ पर लाइट जो सोर्स है वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं होगा, पास नहीं होगा वहाँ से, तो वो ग्लो नहीं होगी। चलिए हम लोग इसे अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर मटेरियल हमारा अप्लाई हो चुका है। 3D पर चल के देखते हैं मटेरियल को। ये देखिए हमारा ग्लास का मटेरियल आ चुका है, ये देखिए ग्लास का मटेरियल है हमारा। तो अब चलिए लाइट सोर्स को भी यहाँ पर जो होता है हमारा उसको भी यहाँ पर लोड करते हैं। तो उसके लिए हमको दूसरी फैमिली की रिक्वायरमेंट होगी जो कि हमारी, वो भी लाइटनिंग फिक्स्चर ही होगी। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको जो हमारा है ये इसको फ्रंट पर कर देते हैं या रेफरेंस लेवल पर कर देंगे। तो पहले इसे हम लोग रेफरेंस प्लेन, जो हमारा रेफरेंस प्लेन है फ्लोर प्लेन में, उसका रेफरेंस लेवल पर डबल क्लिक करके कुछ इस तरह से इसको कर देंगे। देन उसके बाद क्या करेंगे, फिर से वही प्रोसेस है, फाइल पर जाएंगे, न्यू पर जाएंगे, फैमिली पर जाएंगे और यहाँ से फेस बेस्ड, ये देखिए मैं फिर से वही फैमिली लूँगा, मैट्रिक जेनरिक मॉडल फेस बेस्ड फैमिली क्लिक करेंगे और इसे भी ओपन कर लेंगे। ये देखिए हमारी फैमिली आ चुकी है, तो प्रोसेस वही है फिर से। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यूनिट चेंज करेंगे क्योंकि अभी हमारी सारी यूनिट MM में है। तो यूनिट चेंज करने का शॉर्टकट होता है UN, कीबोर्ड पर टाइप करेंगे, लेंथ वाले ऑप्शन पर जाएंगे और क्लिक करेंगे, यहाँ से MM वाले एरो पर क्लिक करेंगे और यहाँ से सेकंड वाला ऑप्शन फीट एंड फ्रैक्शनल इंचेस को सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे, ओके करेंगे। सारी यूनिट हमारी आ चुकी है फीट में। उसके बाद क्या करेंगे देखिए, उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए जो हमारा इंसर्ट है, इंसर्ट के जस्ट नीचे हमारा ऑप्शन आता है कि ये देखिए फैमिली कैटेगरीज का, तो इस पर क्लिक करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर देखिए हमारा ऑप्शन ओपन हो चुका है ये फैमिली कैटेगरीज का एंड पैरामीटर का। तो मैं आपको थोड़ा सा, एक मिनट, थोड़ा ज़्यादा जूम हो गया यहाँ पे, मैं आपको ऐसे ही दिखाता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा, हाँ इतना काफ़ी है। तो यहाँ पर ये देखिए अभी हमारा जेनरिक मॉडल में है जो क्लिक है, तो यहाँ से हम लोग इस पर कर देंगे क्लिक लाइटनिंग फिक्चर पे, और यहाँ पर एक ऑप्शन आता है हमारा हल्का सा, तब इसे नीचे करेंगे माउस को, तो यहाँ पर एक लाइट सोर्स का ऑप्शन आता है, उस वाले बॉक्स में चेक कर देंगे। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ उसको भी करके, लाइटनिंग फिक्चर, और यहाँ से ये देखिए ऑप्शन हमारा ओपन हो गया है लाइट सोर्स का, तो इस बॉक्स पर हम लोग चेक कर देंगे सिंपली। तो ओके करता हूँ मैं पहले इसे चेक करके, तो ये हमारा हो गया है। और यहाँ पर देखिए जैसे ही मैं इसे ओके करूँगा तो यहाँ पर देखिए एक लाइट सोर्स आ जाएगा, यहाँ पर हमारा एक लाइट सोर्स आ जाएगा। तो मैं इसे ओके करता हूँ, ये देखिए मैं इसे पहले थिन लाइन को ऑफ कर देता हूँ, ये देखिए हमारा लाइट सोर्स आ चुका है यहाँ पर। फाइन करता हूँ यहाँ से और यहाँ से इसे शेडेड, ये देखिए हमारा लाइट सोर्स यहाँ पर आ चुका है पहले जो कि नहीं था। मैं इसे फिर से वायर फ्रेम कर लेता हूँ। तो अब चलिए यहाँ पर थोड़ी सी इसकी सेटिंग करते हैं। तो इस लाइट सोर्स पर क्लिक करेंगे, तो जैसे ही क्लिक करेंगे इसको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमारा एक ऑप्शन और ओपन हो जाएगा लाइट सोर्स डेफिनेशन का। तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके क्लिक करेंगे और यहाँ से लाइट सोर्स डेफिनेशन को हम लोग सेलेक्ट करेंगे, कौन सी, ये यहाँ पर हम लोग जो हमारा इमेज फ्रॉम शेप है हम लोग ये वाला लेंगे, और यहाँ से जो हम लोग लेंगे ये जो नीचे हमारा लाइट डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें हम लोग ये वाली लाइट लेंगे। चलिए इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ से ये देखिए हमारा है फोटोमेट्रिक वेब, फोटोमेट्रिक वेब लेंगे लाइट डिस्ट्रीब्यूशन में और इसे अप्लाई करके ओके कर देंगे। तो ये देखिए हमारा हो गया है ये लाइट लगभग लगभग। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को इसमें IES फाइल प्रोवाइड करनी होगी। तो IES फाइल कैसे प्रोवाइड करते हैं, वो आप लोगों को नेट से डाउनलोड करनी पड़ेगी या तो फिर आपके डेबिट की जो फैमिली है उस पर पहले से ही वहाँ पर होगी, तो वहाँ से भी आप लोग कर ले सकते हैं या तो फिर आप लोग नेट से ले सकते हैं। और या मैं इसे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा इसकी IES फाइल को, और ये जो मैं फैमिली बना रहा हूँ IES लाइट की, इसको भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से जाकर के आप लोग इसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं वीडियो को, थोड़ा वीडियो से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा हो गया था,
अब हम लोगों को क्या करना है, हाँ हम लोगों को अब इस पर आईएस फाइल डालनी है। तो मैंने कुछ नेटसे डाउनलोड करके रखी हैं, सेलेक्ट करेंगे इसको। यहाँ पर देखिए ऑप्शन आता है फैमिली टाइप्स का, इस पर चलेंगे फैमिली टाइप्स वाले ऑप्शन पर। देन यहाँ पर फैमिली टाइप्स वाले ऑप्शन पर जाने के बाद यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन हमारे नए ओपन हो गए हैं, जो कि है हमारा फोटो मेट्रिक वेब फाइल और यहाँ पर एक है टिल्ट एंगल। ये ऑप्शन आपको तभी यहाँ पर शो होंगे जब जब आप लोग यहाँ पर फोटो मेट्रिक वेब वाला ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैं बताना चाहता हूँ लाइट शो को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर जब आप लोग ये ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे फोटो मेट्रिक वेब को, तभी आपको यहाँ पर ये ऑप्शन शो होगा, वरना ये ऑप्शन आपको नहीं शो होंगे जो मैंने अभी आपको बताए हैं। तो मैं इसे ओके करता हूँ, फिर से चलते हैं फिर से वहीं पे। हाँ तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर जो फोटो मेट्रिक वेब वाला ऑप्शन है, तो यहाँ पर जेनरिक पर हम लोग क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पर थ्री डॉट्स अपीयर होंगी। तो चलिए करते हैं, तो जेनरिक पर क्लिक करते हैं, थ्री डॉट्स देखिए हमें शो हो गई हैं। थ्री डॉट्स पर क्लिक करेंगे और उसके बाद देखिए मेरे यहाँ पर बहुत सारी आईएएस लाइट हैं, जो कि मैंने नेट से डाउनलोड की है, मेरी भी रेविट फैमिली में नहीं थी ये पहले से। तो यहाँ पर देखिए मैं आईएएस फाइल को कर देता हूँ सबसे पहले, तो DS-160 इसके अंदर यहाँ पर मेरी लाइट पड़ी थी, कोई भी सोर्स यहाँ से आप ले सकते हैं। तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ ये 8030 वाला जो है और इसे ओपन करता हूँ। और जैसे ही मैं देखिए अप्लाई करूँगा, देखिए यहाँ पर ये लाइट सोर्स चेंज हो जाएगा। अप्लाई, ये देखिए कुछ इस तरह का हो गया। तो अब यहाँ से मैं पहले आपको इसको कर देता हूँ, फिर आपको एक और ऑप्शन बताऊँगा। 3D पर चलते हैं, तो ये देखिए अभी जो हमारा है, देखिए कुछ अजीब तरह का एंगल है हमारा, टिल्ट एंगल। जिस एंगल पर लाइट सोर्स हमारा बेंड होता है, उसे हम लोग टिल्ट एंगल बोलते हैं। तो अब क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले देखिए जो हमारी लाइनिंग है ये बहुत ही मोटी आ रही है, तो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आता है थिन लाइन का, इस पर हम लोग क्लिक कर देंगे, इसे ऑन कर देंगे, तो ये लाइनिंग हमारी पतली हो जाएंगी, जिससे हमें वर्क में थोड़ा इजी हो जाएगा। तो इस फिर से हम लोग चलते हैं यहाँ पर अपने फैमिली टैब्स वाले ऑप्शन पर और यहाँ से हम लोग टिल्ट एंगल को कर देते हैं 0 और यहाँ से एंटर या तो फिर अप्लाई कर देंगे 0 डाल करके और यहाँ से ओके कर देंगे। अब चलते हैं हम लोग फ्रंट पे, यहाँ पर प्रोजेक्ट ब्राउज के फ्रंट वाले ऑप्शन पर जाएंगे या तो बैक वाले पर भी आ जा सकते हैं। ये देखिए ये है हमारा लाइट सोर्स, तो कुछ इस तरह का है लाइट सोर्स। उसके बाद देखिए एक चीज़ हम लोग यहाँ पर और करेंगे कि जो हमारी लाइट की इल्यूमिनेंस है, जो हमारी लाइट ग्लो होती है, कितना हम लोगों को लाइट को जलाना है, कितना धीमा जलाना है, कितना तेज जलाना है, वो हम लोग कहाँ से करते हैं, तो वो हम लोग करेंगे नहीं। तो हमारी जो लाइट है वो जलेगी तो, लेकिन बहुत ही धीमे जलेगी। तो चलिए यहाँ पर चलते हैं फिर से फैमिली टाइप्स पे और यहाँ से ये देखिए दो ऑप्शन आते हैं। यहाँ पर देखिए इनिशियल कलर आता है एक और यहाँ पर इनिशियल इंटेंसिटी आता है। तो इनिशियल इंटेंसिटी से हम लोग अपनी लाइट को वाइट और थोड़ा सा येलो इस टाइप का बना सकते हैं, और जो इनिशियल कलर होता है उससे हम लोग अपनी लाइट को, सॉरी जो इनिशियल कलर होता है उससे हम लोग अपनी लाइट को थोड़ा सा वाइट और येलो टाइप का बना सकते हैं, जिस तरह का हमारा हाइलोजन वगैरह होता है थोड़ा सा येलो टाइप का। तो ये जो नंबर आपको 3200 दिख रहा है, इसको आप लोग जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी लाइट येलो होगी। और तो मैं आप लोगों को यहाँ पर सेकेंड वाला ऑप्शन बताऊँगा, यहाँ पर इनिशियल इंटेंसिटी है। चलिए चलते हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ से देखिए इल्यूमिनेंस वाले पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए अभी इनपुट जो है हमारा इनबिल्ट आ रहा है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग पहले इसे क्लोज करते हैं। अभी इस पर कोई एडिटिंग नहीं होगी क्योंकि ये हम लोड जो लाइट है वो लोड कर चुके हैं। तो हम लोग क्या करना होगा उसके लिए, पहले मुझे यहाँ पर थोड़ा सा बैक जाना होगा, तो ये ऑप्शन हम लोगों को पहले ही करना चाहिए था। अब यहाँ पर हम लोग कुछ भी एडिट नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा स्टेप बैक जाऊँगा। तो यहाँ पर फिर से चलेंगे, सॉरी यहाँ पर हम लोग जाएंगे इस पे फैमिली कैटेगरी एंड पैरामीटर पर और यहाँ से हम लोग इस पर कर देंगे लाइटनिंग फिक्चर, फिर से जेनरिक मॉडल ओके कर देंगे, हमारा लाइट सोर्स चला गया है। हम मैं फिर से वही ऑप्शन करूँगा, बस यहाँ पर ये जो हम अपनी लाइट की जो ज़्यादा हम लोग चाहते हैं उसकी रोशनी वगैरह, उसको हम लोग पहले से ही बढ़ा देंगे, नहीं तो वो बाद में देखिए इनबिल्ट आता है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ करके फिर से। तो फिर से मैं चलता हूँ इसी पर और यहाँ से लाइटनिंग फिक्चर लेता हूँ और इसे फिर से ऑन कर देता हूँ, सारी प्रोसेस हमारी फिर से होगी, बस मैंने इसीलिए इसको किया है। ओके अब यहाँ से मैं देखिए इसको क्लिक करके यहाँ से इस पर लाइट सोर्स पर जाऊँगा, यही ऑप्शन को फिर से पिक करूँगा, यहाँ से ऑटोमेट्रिक वेब को सेलेक्ट करूँगा, अप्लाई करूँगा, ओके करूँगा। देन इसके बाद यहाँ पर जाऊँगा इसकी फैमिली टाइप्स पर और यहाँ से मैं देखिए अब इसको बढ़ा देता हूँ, पहले ही इल्यूमिनेंस पर जाएंगे और यहाँ से इसे मैं 1000 या 500 अप्रॉक्स रख लेंगे, ओके कर देंगे इसे हम। और यहाँ पर इसे भी एंगल कर देंगे 0 और यहाँ से जो हमारा जेनरिक है इसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे लाइट को, फिर से आईएएस फाइल और यहाँ से हमने किया था
DS160, और यहाँ से हमने लिया था ये वाला, और यहाँ से ओपन अप्लाई, और यहाँ से हमने एंगल को भी जीरो कर दिया। ओके, देखिए हमारा वही फिर से आ गया, और इस बार हमने लाइट की जो ग्लोलीनेस थी, ग्लोजनेस, उसको भी बढ़ा दिया है। 3D पर चलते हैं, देखते हैं इसे। ये देखिए कुछ इस तरह से है हमारा। फ्रंट पर चल के आपको दिखा देते हैं, फ्रंट व्यू ये है इसका, लेफ्ट व्यू दिखा देते हैं, कुछ इस तरह से है। तो अब चलिए हम लोग इसे लोड करते हैं अपने जो हमने पहले बनाया था, जो हमने लाइट का होल्डर बनाया था उस पर हम लोग इसे लोड करते हैं, इस लाइट सोर्स को। तो लोड इनटू प्रोजेक्ट करेंगे, कहाँ पर हम लोग लोड करेंगे, देखिए जो प्रोजेक्ट 2 है हमारा, उस पर हम लोगों ने एक वॉल क्रिएट की थी जिस पर हम लोगों को ये लाइट लगानी है। हम लोग इस पर नहीं लोड करेंगे, हम लोग इस पर फैमिली 3 पर लोड करेंगे, जिस पर हम लोगों ने ये जो लाइट है इसका होल्डर बनाया था। तो होल्डर पर हमें इस सोर्स को लोड करना है, तो चेक करेंगे इसे, ओके कर देंगे। तो यहाँ से देखिए ये आ गया सोर्स हमारा, जैसे ही माउस ले जाएंगे देखिए जिस तरफ आपको लगाना है लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर मैं कुछ इस तरह से लगा देता हूँ पहले इसे यहाँ पर, तो स्पेस का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कुछ भी नहीं फ्लिप हो रहा है, अभी हो गया फ्लिप। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ इसे, और इसे मैं ऊपर की ओर लगाऊंगा, स्पेस का यूज़ करके फ्लिप करूँगा। पहले फ्लिप नहीं हो रहा है अभी हमारा, कोई बात नहीं, मैं काम करता हूँ। मैं यहाँ पर देखिए मैंने एक लोड कर लिया है, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, जाएंगे इसके प्रोजेक्ट ब्राउज वाले ऑप्शन पर, और यहाँ से लेफ्ट व्यू लेंगे। यहाँ पर देखिए अभी काफ़ी ऊपर हमारा ये लोड हुआ है, कोई बात नहीं, उसे हम लोग नीचे कर लेंगे अभी। उसके लिए पहले हम लोग क्या कर देते हैं, चलिए अब मैं पहले इसे नीचे कर लेता हूँ। तो एरो का यूज़ करके नीचे कर लेते हैं इसे, एरो से हम लोग इसे नीचे कर सकते हैं। आप लोग मूव का भी यूज़ कर सकते हैं, मूव ऑप्शन का। तो मैं इसे यहाँ पर रख लेता हूँ, हल्का सा बाहर करेंगे इसे, ग्लास के थोड़ा सा अंदर ही रहने देंगे, तो इतना काफ़ी है। इसको करने के बाद हम क्या करेंगे, यही वाला हमको इस तरफ भी चाहिए, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसे मिरर कर देंगे। सेकंड ऑप्शन को लेंगे, मिरर ड्रॉ एक्सिस, शॉर्टकट होता है DM, क्लिक करेंगे, यहाँ से इस पर कहीं भी क्लिक करेंगे बीच वाले लाइन पर, और यहाँ पर नीचे की ओर क्लिक करेंगे। देखिए हमारा दूसरी साइड भी आ गया है। 3D पर चल के चलिए इसे देख लेते हैं, 3D पर ये देखिए कुछ इस तरह से हमारी लाइट बन चुकी है, सेम उसी तरीके की। चलिए अब हम लोग इसे अपने प्रोजेक्ट पर लोड करते हैं। तो यहाँ से करते हैं, एक्स्ट्रा विंडो को क्लोज कर दिया है मैंने, लोड इनटू प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट 2, ओके। यहाँ से देखिए हमारी वॉल है, 3D पर चलेंगे, और यहाँ पर इसे मैं पुट कर देता हूँ लाइट को कुछ इस तरह से। यहाँ पर देखिए हमने सारी लाइट लगा दी हैं, मैं यहाँ से इसे सेलेक्ट करके आपको दिखा सकता हूँ। ये देखिए हमने सारी लाइट लगा दी है, ये देखिए कुछ इसी तरह की लाइट है। चलिए अब इसकी रेंडरिंग करते हैं। तो यहाँ पर रेंडरिंग मैं करूँगा, तो देखिए अभी कोई भी लाइट ग्लो नहीं होगी, एक गलती हुई है, वो मैं अभी आपको बताऊँगा, वो आपसे भी होगी, आपको ना हो इसलिए मैंने ये पूरी गलती की है। चलिए यहाँ पर RR क्लिक करते हैं, और यहाँ से मैं करता हूँ रेंडर। तो यहाँ पर आप लोग सन ओनली को छोड़ के किसी भी जो और भी हमारे ऑप्शन है उस पर रेंडर कर सकते हैं, बस सन ओनली पर मत कीजिएगा बस। तो मैं यहाँ पर पहले इंटीरियर आर्टिफिशियल ओनली पर रेंडरिंग करता हूँ इसकी, कुछ भी नहीं होगा यहाँ पर, देखते हैं। देखिए ये देखिए कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पर, कोई भी रेंडरिंग नहीं हुई, ये देखिए कोई भी लाइट नहीं ग्लो हो रही है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ मिस्टेक कहाँ पर हुई है। इस लाइट पर क्लिक करेंगे, और यहाँ से एडिट फैमिली वाले ऑप्शन पर जाएंगे, फिर से यहाँ पर आ गए हैं, फिर किसी भी एक लाइट सोर्स पर क्लिक करेंगे, और यहाँ से फिर से एडिट फैमिली वाले ऑप्शन पर जाएंगे। देन यहाँ पर देखिए हम लोग लाइट फैमिली पर आ चुके हैं अपने लास्ट ऑप्शन पर। उसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारा प्रॉपर्टीज़ वाला ऑप्शन है इस पर देखिए नीचे जाएंगे, जब आप माउस को थोड़ा सा कर्सर का स्क्रॉल करके, तो नीचे एक शेयर्ड का ऑप्शन आता है, तो मैं थोड़ा नीचे आता हूँ। ये देखिए ये शेयर्ड का ऑप्शन शो हो रहा है ना आपको, इस वाले बॉक्स पर चेक कर दीजिए और अप्लाई कर दीजिए, शेयर्ड अप्लाई। ये हम लोग इसलिए कर रहे हैं ताकि जो हमारा लाइट सोर्स है वो शेयर हो चुके शेयर हो सके, जो हमने और भी लाइट्स क्रिएट की हैं। तो यहाँ पर मैं इसे लोड इनटू प्रोजेक्ट करता हूँ, तो यहाँ से हम फैमिली 3 पर पहले लोड करेंगे, प्रोजेक्ट 2 से अनचेक कर देंगे, ओके कर देंगे, ओवरराइड द एग्जिस्टिंग वर्जन। देन उसके बाद देखिए यहाँ पर फिर से हम लोग करेंगे, प्रॉपर्टीज़ पर जाएंगे, और यहाँ से देखिए एक और ऑप्शन आता है शेयर्ड का, मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा। ये देखिए यहाँ पर भी हम लोग बॉक्स पर चेक कर देंगे और अप्लाई कर देंगे अप्लाई, और यहाँ से लोड इन टू प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट 2, ओके, और यहाँ से ओवरराइड द एग्जिस्टिंग वर्जन। तो देखिए मैं आपको यहाँ से रेंडरिंग करके दिखाता हूँ, फिर आपको एक चीज़ और बताऊँगा यहाँ पर। तो RR, और यहाँ से रेंडर, ये देखिए हमारी लाइट ग्लो हो रही है। मैं आपको एडजस्ट एक्सपोजर कर देता हूँ थोड़ा सा, यहाँ से देखिए ये जो एडजस्ट एक्सपोजर है, यहाँ से इमेज को आप लोग थोड़ा सा ज़्यादा ब्राइट और कर सकते हैं, डार्क कर सकते हैं, तो हल्का सा कम किया, ये देखिए, ये देखिए। तो
ये जो हमारा जो पहला ऑप्शन था रेंडरिंग का, जिसमें हमारी लाइट ग्लो नहीं हुई थी, अगर आप लोगों को शेयर्ड वाले पर नहीं चेक कर रहा है तो आप क्या कीजिएगा, बाहर से कोई भी एक फेस बेस्ड लाइट को ला करके पीछे इस वॉल के पुट कर दीजिएगा और रेंडरिंग कर दीजिएगा, तो आपकी जो लाइट है वो सारी ग्लो होने लगेंगी, आपको शेयर्ड पैरामीटर पर चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये ट्रिक थी एक, तो उसके लिए देखिए मैंने जो रैबिट की स्ट्रिप लाइट पे वीडियो बनाई है, और भी वहाँ से आप लोग और भी वीडियो दे सकते हैं। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है इस वीडियो में तो कमेंट सेक्शन पर मेंशन करिए, आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं उस पर भी कमेंट सेक्शन पर मेंशन करिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।